हमास बग़ैर किसी शर्त के इसराइली यरगमालियों को रिहा करे तर्जुमान इसराइली फ़ौज का ये मुतालबा है आलमी बरदरी इसराइल की इसराइली की रिहाई में किरदार अदा करे डनील हदगारी की जानब से ये मुबा किया गया कि इसराइली मगवी जल्द रिहा होने चाहिए ताकि उनकी तबी ज़रूरिया पूरी की जा सकें इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हदगारी की जानब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और ये मुतालबा किया गया है असल आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज एस मैं मैं हुसम इरफान हेडलाइंस आप जान चुके हैं अभी आपको बताएं कि इसराइल के, के गजा में अस्पतालों पर बमबारी जारी है आर्मी मीडिया के मुताबिक अलाउदा अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर बमबारी की गई मुतद फलस्तनी शहीद हो गए सड़क पर निशाना बनने वाले फलस्ती की लाशें बिखरी पड़ी हैं बमबारी से इंडोनेशिया अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और शहादतों का खदशा जाहिर किया गया है आर्मी मीडिया की जानब से ये तफसी फराहम की गई हैं इसराइल के गजा में अस्पतालों पर बमबारी जारी है आलौदा अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर बमबारी की गई मुतद फलस्तनी शहीद हो गए गजा में इसराइली फ़जाया की जुबालिया में तबाहकुन बमबारी आलमी मीडिया के मुताबिक सोलह से जायद फलस्तनी शहीद पचास से ज्यादा जख्मी हो गए जुबालिया में फलस्तनी वजारत सेहत के जनरल डायरेक्टर के घर पर हमला हमले में बेटी शहीद हो गई मौनील बरूच जख्मी हुए हैं आलमी मीडिया का ये बताना है गजा में से हुई बमबारी से इक्कीस हजार फलस्तनी शहीद हो गए जबकि तिरपन हजार से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं